कर्मचारियों के बीच विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि वेतन न मिलने के कारण सफाई कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ईओ को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर ईओ को नहीं हटाया गया तो भूख हड़ताल जारी रहेगी। हज कमेटी द्वारा महिलाओं को अकेले हज पर भेजे जाने पर देवबंदी उलेमा ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा, जैसे बिना वजू के नमाज नहीं हो सकती, उसी तरह जिन महिलाओं ने अकेले हज करने के लिए फॉर्म भरे हैं उनका हज ही नहीं होगा। अमेठी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने सभी आपराधिक मामले के जांच के आदेश दिए हैं। विवाद से संबंधित शिकायतें ज्यादा आई हैं। अधिकारियों को सबकी बैठक ले ली गई है। लेखपाल, कानूनगो, तहसील के सभी विभाग अधिकारियों की, विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि ये शिकायतपूर्ण हो। 10 टीमें रवाना कर दी गई हैं। वो टीमें उनको शिकायतें दे दी गई हैं और जो टीम रवाना हो गई थी उनको उस गांव की जो शिकायतें हैं उनको व्हाट्सअप तो इनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ तहसीलदार और SDM को निर्देश दिए हैं कि जो बिजली विभाग से संबंधित वसूली है, जो RC आई उनकी टीम बनाकर, दोनों विद्युत विभाग और रेवेन्यू की टीम बनाकर इसकी वसूली सुनिश्चित कराएँ। बसपा सुप्रीमो मायावती के 63वें जन्मदिन पर आजमगढ़ में बसपा सपा ने मिलकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान बसपा के वरिष्ठ नेता सुखदेव राजभर ने सपा के जिलाध्यक्ष को केक खिलाकर शुभकामना दी। संदेश आप सबको पता है और पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की जनता को भी ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल हो गए, कोई जनहित में कोई काम नहीं किया और जनता परेशान है, त्रस्त है, किसान मजदूर बेरोजगार सब परेशान है। फर्रुखाबाद में भाजपा नेता सुनील द्विवेदी ने मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1995 में गेस्ट हाउस कांड में मायावती को मेरे पिता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया था, जिसके बाद से वो मेरे पिता को भाई कहती थी, उस हिसाब से मैं उनका भतीजा हुआ, लेकिन सत्ता पाने के लिए आज मायावती ने भतीजा बदल लिया है। कानपुर में एक घर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि जिस दौरान घर में आग लगी उस वक्त घर में कोई भी आदमी मौजूद नहीं था, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में IG आलोक सिंह पुलिस थानों का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, साथ ही उन्होंने थाने के नए मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया। वहीं काफी समय से थाने में खड़े वाहनों को नीलाम करने के लिए निर्देश दिए। ये थाने का वार्षिक निरीक्षण है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि थाने की जो साफ सफाई और जो व्यवस्था है उसमें काफी परिवर्तन हुआ है। बहुत अच्छी साफ सफाई है थाने की। पब्लिक के लिए एक ऐसे वातावरण का यहाँ सृजन किया गया है कि वो यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ आए। लखनऊ में अधीर फाउंडेशन ने कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में BBD ग्रुप की चेयरपर्सन अलका दास पहुंची और गरीबों को कंबल वितरण किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि पूरा मामला रैगिंग को लेकर जुड़ा हुआ है। वहीं इस घटना के बाद से कैंपस में दहशत का माहौल बना हुआ है। लखनऊ में हाल ही में हुई व्यापारी अमनप्रीत की निर्मम हत्या पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे पीड़ित परिवार ने कहा कि हत्या में कई बड़े अपराधियों के नाम हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई करने में असफल है।